और चलिए देहरादून की बात करेंगे, जहां पर युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को लेकर दिलीप सिंह कुंवर ने अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत सभी अधिकारी स्कूल गांव जाकर युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही दिलीप सिंह कुंवर ने शिरकत कर युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों छात्रों को नशे के खिलाफ शपथ दिलवाई। आइडेंटिफाई किया कि कितने लगभग लगभग 14,000 ऐसे लोग हैं जो नवयुवक हैं जो ड्रग्स ले रहे हैं, उनका हमने प्रोफाइल तैयार किया हुआ है, उनका हमने काउंसलिंग भी हम लोग करते हैं और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स के साथ भी हम लोग बात करते हैं। हफ्ते में कम से कम 3 दिन उनको हम उनसे संपर्क में आकर के उनसे बात करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इस अगर बीमारी को हटाना है, इस नशे को दूर करना है समाज से, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि 2025 तक जो है हमने उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाना है, उसके लिए परिवार के लेवल पर और शैक्षणिक संस्थान के लेवल पर हमको बहुत संवेदनशील होकर के बच्चों की निगरानी करनी पड़ेगी।